होने का गौरव मुझे ही प्राप्त है। मैं जो भी बन सका उसका संपूर्ण श्रेय प्रोफेसर रणबीर सिंह साहब को ही देता हूं। कुछ बातें जो विशेष रूप से मैंने उनसे ग्रहण की, उसमें सर्वप्रथम रिसर्च में ईमानदारी बरतना मुख्य है। सरल शब्दों का प्रयोग और छोटे सेंटेंस बनाना भी उन्हीं की वजह से मैं सीख पाया। पीएचडी के दौरान शुरुआत में एक सैंपल को 2 महीने तक लगातार ऑब्जर्व कराना, जिसने मेरे छक्के छुड़ा दिए और रिसर्च के प्रति सारी आग बुझा दी, पर परिणाम स्वरूप एक कीन ऑब्जर्वर की विशेष शक्तियों का भी विकास मुझ में करा दिया, जिसके कारण कुछ विशुद्ध एवं नवीन खोजों को मैं कर सका और आज भी कर रहा हूं। अगर सिंप्लिसिटी उनका स्वभाव था, तो दूसरी तरफ किताबों और शोध पत्रों में छपी बातों को प्रश्न चिन्हित करना उनकी दक्षता थी। प्रख्यात विद्वानों से रिसर्च विषयों पर संवाद कर उनकी की गई गलतियों को जग जाहिर करने के कारण बहुत से सीनियर प्रोफेसर उनके सामने पढ़ने से घबराते थे। ऐसे कई मौके मुझे याद हैं जिसमें कॉन्फ्रेंस के दौरान इतनी गर्मी गर्मा हो गई कि सीनियर लोगों को बीच में बीच बचाव करना पड़ गया। उनके द्वारा निष्ठा से किया गया शोध हमेशा अपनी प्रकाष्ठा तक पहुंचा। शायद प्रभु ने उनको ऐसी प्रतिभा से संपन्न किया था कि वो पत्थरों को किताब की तरह पढ़ लिया करते थे। शायद वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के धनी थे। मेरे विचार से उनका इंट्यूशन और प्रिमोनिशन इतना प्रबल था कि वो पत्थरों में वो सब देख लेते थे जैसे कि उनके सामने ही ये सारे पत्थर बने। विस्मय तारीख आने वाले समय में ये विश्वास करना कठिन हो जाएगा। हवाई चप्पल और पैजामे में दिनचर्या करने वाला व्यक्तित्व तक भी हिंदुस्तान और दुनिया के भूविज्ञान में बदलाव लाने वालों की कतार में सबसे आगे खड़ा था। हम सबका सौभाग्य है कि हमको ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में रहने का मौका मिला। इंद्रवीर सिंह साहब को मैं भगवान के तुल्य मानता हूँ, जिसको हमने साक्षात देखा, समझा और महसूस किया। ऐसे लोग संसार से कभी जाते नहीं। जिसको उन्होंने छू लिया वो सोना बन गया, ऐसा जादुई था उनका व्यक्तित्व। मैं हमेशा उनको